किसान मित्रों नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं के सटीक समाधान के हेतु हम आपके लिए लाए हैं किसान का हम सफर प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के इस अंक 8 में मैं डॉक्टर राजकुमार दगड़खैर, वैज्ञानिक खाद्य प्रौद्योगिकी प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह से और जानेंगे खरीफ प्याज की खड़ी फसल के बारे में। किसान मित्रों, बारिश में बड़े अंतराल के कारण से जमीन में कम होती नमी के चलते सिंचाई का उचित व्यवस्थापन करना बहुत ज़रूरी है। पानी की उपलब्धता के अनुसार टपक सिंचाई वाले किसान एक दिन के अंतराल से पानी दे, समतल सिंचाई वाले किसान मिट्टी में उचित मात्रा में पानी की नमी को बरकरार रखें। किसान मित्रों, इस समय मौसम में बदलाव के कारण थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ऐसे में किसान मित्रों 15 दिनों के अंतराल पर फिप्रोनिल 1 मिली प्रति लीटर या कार्बोसल्फान 2 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करें, साथ ही उसमें स्टिकर 0.5 मिलीलीटर डालना ना भूलें। रोपाई के बाद शेष बची नत्रजन की उर्वरित मात्रा 3 समान भागों में 15, 30 एवं 45 दिनों के बाद देनी है। पत्तों में परभूरे और बैंगनी धब्बा का प्रकोप दिखता है तो नियंत्रण के लिए मैकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या ट्राईसाइक्लोजोल या प्रोपिनोजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर फफूंदनाशकों का छिड़काव सुबह या शाम को अदल बदल कर करें, साथ ही उसमें स्टिकर 0.5 मिलीलीटर डालना ना भूलें। रोपण के 40 से 60 दिन बाद निराई करें और 45, 60 एवं 75 दिनों के अंतर पर पत्तों पर सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण का 5 मिलीलीटर मात्रा में छिड़काव करना ना भूलें। अब चलते हैं विस्तृत चर्चा की ओर। आज की विस्तृत चर्चा में जानेंगे पछेती खरीफ प्याज की रोपाई के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव काले आज की विस्तृत चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे पछेती खरीफ प्याज की रोपाई। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करना जरूरी है, जिससे कि कीट के कोष व खरपतवार के बीच सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाए। खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी है, जब तक कि मिट्टी भुरभुरी ना हो जाए, तथा क्यारियाँ तैयार करने से पहले पिछले फसल के बचे हुए अवशेष और खरपतवार बाहर निकाल दें। सड़ी हुई गोबर खाद 5 टन प्रति हेक्टर या केचुए की खाद 5 टन प्रति हेक्टर आखिरी जुताई के समय डालकर अच्छी तरह से मिला देना है। चौड़ी उठी हुई क्यारियाँ जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 120 सेंटीमीटर और नाली 45 सेंटीमीटर की क्यारियाँ तैयार करनी है। उठी हुई क्यारियों में अतिरिक्त पानी नाली से बह जाता है, जिससे काला धब्बा जैसे रोग का प्रकोप कम करने में मदद होती है। चौड़ी उठी हुई क्यारियाँ बनाने की तकनीक केवल टपक और फव्वारा सिंचाई के लिए उपयुक्त है। टपक सिंचाई के लिए हर चौड़ी उठी हुई क्यारियों में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 16 मिलीमीटर आकार के 2 टपक लेटरल नालियाँ अंतर्निहित उत्सर्जकों के साथ होनी चाहिए। 2 अंतर्निहित उत्सर्जकों के बीच की दूरी 30 से 50 सेंटीमीटर और प्रवाह की दर 4 लीटर प्रति घंटा रखना है। फव्वारा सिंचन के लिए 20 मिलीमीटर आकार की 2 लेटरल के बीच की दूरी 6 मीटर और निर्वहन दर 135 लीटर प्रति घंटा रखना है। रासायनिक उर्वरक नत्रजन, फॉस्फोरस, पोटेश को 110, 40, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर के मात्रा में दें। नत्रजन 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर तथा फॉस्फोरस, पोटेश एवं गंधक की पूरी मात्रा रोपाई के समय देनी है। शेष नत्रजन की उर्वरित मात्रा 3 समान भागों में रोपाई के 15, 30 एवं 45 दिनों के बाद देनी है। जैविक उर्वरक एजोस्पोरियम, PSB, KMB तथा फफूंदीनाशक ट्राइकोडर्मा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से देना है। खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑक्सीक्लोरोक्वीन 1.5 से 2 मिली प्रति लीटर तथा पेंडीमिथिलिन 3.5 से 4 मिली प्रति लीटर की मात्रा में छिड़काव रोपाई से पहले या रोपाई के समय करें। 45 से 50 दिनों के पौधों की रोपाई पंक्तियों के बीच 15 सेंटीमीटर तथा पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर अंतर रखकर करनी है। रोपाई के लिए पौध का चयन करते समय उचित ध्यान रखना है कि कम और अधिक आयु की पौध की रोपाई के लिए नहीं लेना है। रोपाई के पहले पौध के शीर्ष का 1/3 हिस्सा काट देना चाहिए। फफूंदी रोगों के प्रकोप से बचने के लिए रोपों की जड़ों को
कार्बेडेजिम 1 ग्राम प्रति लीटर तथा कार्बोसल्फान 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल में 2 घंटे तक डुबोने के बाद ही रोपाई करें। रोपाई के समय तथा रोपाई के 3 दिन बाद अच्छी सिंचाई करें ताकि पौधा अच्छी तरह से स्थापित हो सके। धन्यवाद किसान भाइयों। चलिए जानते हैं संस्थान के कुछ अहम खबरों के बारे में। 76वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर संस्थान में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय के कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र द्वारा 16 से 17 अगस्त तक प्याज एवं लहसुन में प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन पर 2 दिवसीय उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्यमियों, हितधारकों, महिला किसानों, विभिन्न क्षेत्रों के तथा संस्थान के इंक्यूबेटर्स ने सहभाग लिया। सोनाग्रो नेचुरल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड जालना के साथ संस्थान ने प्याज की 2 किस्में भीमा सुपर और भीमा शक्ति के लाइसेंस के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्थान में 24 अगस्त 2023 को प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थान नासिक के माध्यम से 40 प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। संस्थान में 24 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी हुतात्मा राजगुरु की जयंती पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। 19 अगस्त को भोपाल में आयोजित कृषि विज्ञान केंद्रों की क्षेत्रीय कार्यशाला में संस्थान के निदेशक डॉ. विजय महाजन का विशेष सहभाग। संस्थान के निदेशक डॉ. विजय महाजन ने 21 से 26 तक अगस्त तक कृषि अनुसंधान परिषद NRNARM हैदराबाद में आयोजित नेतृत्व कौशल विकास कार्यक्रम में विशेष भागीदारी। तो चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। किसान बंधुओं, विगत हफ्ते में मध्य प्रदेश से किसान श्री रघुवर सिंह जी ने संस्थान से प्याज की फसल में फर्टिगेशन का उपयोग करने से क्या लाभ होगा इसके बारे में पूछा था। किसान मित्रों, फर्टिगेशन से पौधों का सही मात्रा में पानी और उर्वरक मिलता है और पानी की भी बचत हो जाती है। रासायनिक उर्वरक पानी के साथ मिलकर सीधे पौधों के जड़ों तक पहुँचते हैं जिससे पौधे और उनकी आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। जमीन के अन्य भागों में रसायन तत्व नहीं पहुंचते, इससे खेतों में खरपतवार की समस्या का भी नियोजन हो जाता है, श्रमिकों की लागत में बचत हो जाती है और उर्वरक की लगभग 20-30% तक की बचत होती है और 25-30% तक की उपज में भी वृद्धि पाई गई है। किसान बंधुओं, याद रखें, आप WhatsApp या फोन नंबर पर भी प्याज एवं लहसुन की खेती की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए संस्थान का WhatsApp नंबर है 8459715576। किसान भाई, इस अंक का समाचार यही पर समाप्त होता है। संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले अंक में प्याज एवं लहसुन की कुछ नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय किसान, जय विज्ञान।